व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज इंडिया एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, जैसा कि वादा किया था मैंने कि मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो फिर से लेके आ चुका हूँ, और आज की वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, मेरा शेड्यूल, मेरी एग्जाम से 15 तारीख से तो शेड्यूल मेरा थोड़ा बिजी चल रहा है, इसलिए मैं कुछ कम वीडियोस डाल पा रहा हूँ। बट जैसे ही एग्जाम्स खत्म होगी मैं आप लोगों को रेगुलर कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें दिखाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी पहली अनबॉक्सिंग, और इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो पहले मैं आप लोगों को स्टोरी बता देता हूँ। आज सुबह हम लोग गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए, तो हम C21 मॉल में, जो कि एक शोरूम है जिसका नाम है मुफ्ती के शोरूम पे हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग करने के बाद हमें गिव अवे के रूप में एक छोटा सा हैम्पर मिला है, जो कि अभी तक मैंने ओपन नहीं करके देखा है। तो चलिए उस हैम्पर को ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। और इस सरप्राइज को मैं आप लोगों के साथ अनवील करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अभी तक ओपन नहीं करूं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। दोस्तों हमें ये हैम्पर मिला था जो कि मुफ्ती स्टोर से हमें गिव अवे के रूप में दिया गया था। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मैं तो देख चुका हूं इसके अंदर क्या है, आप लोगों को भी बता देता हूं। तो दोस्तों इसके अंदर मुझे मिले हैं मुफ्ती के हेडफोन, जो कि ऐसा लिखा है इसमें कि ये पेरिस में डिजाइन किए गए हैं। तो चलिए इनको ओपन करते हैं और देखते हैं इनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और इसका बॉक्स कंटेंट भी चेक करते हैं। बॉक्स कंटेंट कुछ दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बैटरी है इसकी लगभग 14 आवर्स की बैटरी बैकअप है। इसका वेट बहुत ही लाइट है, और जो कि है 292 ग्राम्स। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, प्लस इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये गेमिंग कंटेंट के लिए यूज किया जाता है। इसमें AUX है, बिल्ट इन माइक है, केबल है, और कुछ चीजें दी हुई हैं। तो इसको ओपन करते हैं और अंदर चेक करते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों फाइनली ये निकल के आया है प्रोडक्ट, जो कि मुफ्ती के हेडफोन्स हैं, जिनका मतलब फर्स्ट रिव्यू तो मतलब एवरेज ही है, इतने कोई खास भी बने नहीं है ये। और इसके साथ हमको मिलता है एक छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर मैं देख लेता हूँ क्या है। तो इस बॉक्स में मुझे दो केबल्स मिली हैं, जो कि एक जैक पिन है इसकी, और एक हमें मिली है इसके लिए, इसकी चार्जिंग के लिए एक USB केबल है, जो कि एक नॉर्मल चार्जर केबल है। और हमें बॉक्स के अंदर एक और चीज मिली है, जो कि है इसका यूजर मैनुअल। वैसे भी आजकल यूजर मैनुअल तो कोई पढ़ता नहीं है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ और हम बात करते हैं हेडफोन की। तो दोस्तों हेडफोन का जो लुक है वो थोड़ा मतलब मीडियम सा है, और एल्यूमिनियम डिजाइन है, ऊपर पैडिंग दी गई है, दोनों ईयर्स के साइड पे लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट। तो इसको लगा के मैं देखता हूँ कनेक्ट करके पहले। तो हेडफोन जो है उसके साइड पे यहाँ अपर मोस्ट पे जो है चार बटन दिए गए हैं, जो कि एक ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है, पावर ऑन एंड ऑफ वाला, और एक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक बटन दिया गया है, और एक वॉल्यूम कम करने के लिए दिया गया है, और एक मोड चेंज करने के लिए बटन दिया गया है। नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं तीन पोर्ट्स, जो कि है एक AUX के लिए, एक USB चार्जिंग के लिए, और एक छोटा सा बिल्ट इन माइक मिल जाता है, और साथ में एक है SD कार्ड का पोर्ट। तो हेडफोन्स का पावर ऑन करता हूं मैं, तो ये पावर बटन दिया। यहाँ पे पावर ऑन होने के बाद एक छोटी सी लाइट जल रही है, जो कि हमें शो करती है कि हेडफोन ऑन हो चुके हैं।
तो दोस्तों ये फिलहाल जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने फोन से। तो दोस्तों मैंने ब्लूटूथ ऑन कर लिया है फोन का, और ब्लूटूथ पे ये सर्च होने के बाद आपको देखिए आप ऊपर देख सकते हैं कि मुफ्ती के नाम से ये शो हो रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये हेडफोन जो है कुछ समय लेंगे, और कनेक्ट हो चुके हैं मेरे हेडफोन, तो आप फोन से भी इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग जब इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको इसको इसका बैटरी परसेंटेज जो है फोन में ही शो करेगा, जैसा कि अभी नए हेडफोन्स में नया फीचर है। तो मैं आप लोगों को इसका रिव्यू बताता हूँ इसे चेक करके कि ये कैसा है। और A few minutes later. तो दोस्तों लगभग आधा घंटा मैंने स्पेस पे साउंड को सुना, और ऑल द वे साउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसका। और जो हेडफोन्स है यहाँ पे जो पैडिंग दी गई है वो बहुत ही अच्छी है, जो कि बाहर से नॉइस नॉइस नहीं आने देती, मतलब बोल सकते हैं कि एक प्रकार से नॉइस फिल्ट्रेशन या नॉइस कैंसलेशन का काम करती है। तो दोस्तों ऑल द वे ये जो मुफ्ती के हेडफोन से ये पैसा वसूल है एज अ गिव अवे, तो बहुत ही अच्छे हैं। तो इसका प्राइस मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, इस पे लिखा हुआ है 4,499, जो कि आप भी देख सकते हैं ये यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा और इसको यूज करता हूँ, और आपको आगे का भी रिव्यू बताऊंगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं एज डेली यूज के तौर पे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो और एक नई प्लेस के साथ। धन्यवाद।